मेरा नाम गौसिया परवीन है और मैं चेंबूर एरिया में रहती हूँ। मेरे घर में 5 लोग हैं, मैं, मेरे फादर, भैया, भाभी और छोटा भाई। लेकिन मैं पहले ब्राइट फ्यूचर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसा होगा नहीं होगा। मेरे जब कॉलेज में विजिट करने के लिए आए तो मैम ने बताया ब्राइट फ्यूचर के बारे में, और ये जब मुझे पता चला कि सिर्फ 100 रुपीस में हमें इतना कुछ सीखने मिल रहा है, जैसे कि फर्स्ट तो ये थिंकिंग था कि 100 रुपीस में ये लोग सिखाने क्या वाले हैं हमें, कहीं भी जाओ तो 10,000-12,000 ऐसे कोर्स के फीस होते हैं। कोई भी नॉर्मल से हमें कंप्यूटर भी सीखना रहता है तो उसके लिए बोलते हैं आपको 10,000 पे करना है, 12,000 पे करना है, लेकिन ओनली 100 रुपीज में जब मैम ने बताया, पूनम मैम वगैरह हमारे कॉलेज में आए थे तब बताया कि 100 रुपीज में, तब हम लोग शॉक्ड हो गया। और फिर उसके बाद मैं और हुकुम दोनों भी साथ में ही गए थे विजिट करने के लिए वहाँ पे। फिर हमने देखा कि पहले से भी कुछ बच्चे थे वहाँ पे जो कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, उन्हें भी चलाते हुए देखा, तो हमें भी ऐसे उत्सुकता हुई कि हमें भी सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर क्या क्या यहाँ पे सिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग ने ब्राइट फ्यूचर ज्वाइन किया। वहाँ पे हमें जैसे कि करियर गाइडेंस के बारे में बताया गया कि आगे आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, कौन सा जॉब आपके लिए परफेक्ट होगा। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 3 मंथ का मेरा कोर्स वहाँ पे मैंने कंप्लीट किया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं पॉलिसी बॉस में ज्वाइन हुई एज अ कॉलर। फिर वहाँ पे हम लोग को इंश्योरेंस के बारे में बताना था, इंश्योरेंस सेल करना था, लेकिन वहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि ये जॉब मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। मैंने वहाँ पे 6 मंथ वहाँ पे वर्क किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जैसे कि मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं परफेक्ट नहीं हूँ अभी। तो फिर मैंने वापस से राहुल सर से बात किया कि सर मुझे ये जॉब नहीं जम रहा है, यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। और वहाँ पे सैलरी भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन ऐसा था ना कि जैसे कि वो चीज़ मैं उसके लिए बनी ही नहीं हूँ। फिर उसके बाद राहुल सर ने मुझे टॉय बैंक के बारे में बताया कि हमारे पास एक और ऑप्शन है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और वो भी एनजीओ है तो वहाँ पे आपको अच्छा करियर भी है आपके लिए और बेहतर भी है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टॉय बैंक में आई, यहाँ पे इंटरव्यू दी, फिर मेरा सिलेक्शन भी हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जैसे कि यहाँ पे मुझे 4 मंथ हो गए अभी आकर के, पहले मुझे भी ऐसा था कि बच्चों के साथ कैसे काम करूँगी, कैसा होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों के साथ रह करके बहुत कुछ सीखने भी मिला है। और यहाँ पे ऐसा कि एजुकेशन को बहुत प्रमोट करते हैं, और जब वहाँ पे ब्राइट फ्यूचर में फैसिलिटेटर दूसरी मैम थी तो उनको भी मैंने ये प्रॉब्लम बताया कि मैम मुझे सबसे बात करने में नहीं होता, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की थी। और मेरा मैसेज करंट एस्पिरेंट के लिए ये है कि जैसे कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ स्टूडेंट्स, कि हम लोग साथ में जॉब और पढ़ाई दोनों एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने ब्राइट फ्यूचर जब ज्वाइन किया था तब मैं FYBA में थी, BA कर रही थी, तब मैं फर्स्ट ईयर था मेरा, और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो जैसे कि मैं अपने एक तरफ एजुकेशन भी मेरा कम्प्लीट हो रहा है और जॉब भी साथ साथ में कर रही हूँ, दोनों भी मेरे लिए पॉसिबल है।